हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को बताइए। तो देखिए, थ्योरी के साथ साथ आपको सभी न्यूमेरिकल्स को भी लगाना है, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में 25 से 30 नंबर के केवल न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। ठीक है, तो आप चैप्टर्स जब पढ़ें तो उनके न्यूमेरिकल्स को भी साथ साथ सॉल्व करते चलें। तो देखिए, सेकंड चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 12th में हैं तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, एक भी न्यूमेरिकल आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिया है, तो उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है इस चैप्टर का, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से। उसके बाद न्यूमेरिकल में जो कुछ वैल्यूज दी गई है उनको आपको लिखना है, फिर आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो देखिए, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हमें दी गई है। ठीक है, तो यहां पर हमें पता चल गया कि त्रिज्या कितनी दी गई है, तो हमें दिया गया है आर, तो आर इक्वल टू हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो मीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10^-2 मीटर। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये कैसे आ गया, तो देखिए, अगर आप किसी को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप 100 से भाग दे दीजिए। जैसे हमने 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो 1 को 100 से भाग दे दीजिए, नीचे 100 होगा तो वो ऊपर जाएगा, तो 10^-2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर मान लीजिए कि 5 होता 5 सेंटीमीटर, तो 5 को 100 से भाग दे देते। ठीक है, ये कैसे आया ये भी मैं बता देता हूं। देखिए, 1 सेंटीमीटर है, इसको 100 से भाग दीजिए। ठीक है, 100 से आपने भाग दिया तो 1/100 को हम लिख सकते हैं 10^2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए, 10^2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये 10^-2 हो जाएगा, तो 10^-2 मीटर हो गया, तो वही मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, अब देखिए, हमें दिया गया है 1 कूलाम आवेश, तो हमें आवेश भी दिया गया है। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, Q इक्वल टू दिया गया है हमें 1 कूलाम। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें इस न्यूमेरिकल में दी गई हैं। अब देखिए, गोले के पृष्ठ पर विभव, अब हमें निकालना क्या है, गोले के पृष्ठ पर विभव निकालना है, तो उसको निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे गोले के पृष्ठ पर विभव। ठीक है, पृष्ठ पर विभव, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का, जो कि आपका था V इक्वल टू 1/4π0 इंटू Q/R। ठीक है, ये मैंने प्रूफ भी करवाया था जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा था। ठीक है, सेकेंड चैप्टर, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है V इक्वल टू 1/4π0 इंटू Q/R, जहां Q आवेश है, R त्रिज्या है, ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अब देखिए, यहां पर हम वैल्यूज को रखेंगे। देखिए, 1/4π0 की वैल्यू भी मैं बता चुका हूं आपको, 9×10^9 होता है। ठीक है, 9×10^9 इंटू क्यू की वैल्यू हमें 1 दी गई है, तो 1 लिख देंगे। आर की वैल्यू है 10^-2, तो 10^-2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, सिंपली लग गया हमारा न्यूमेरिकल, तो वी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए, 9×10^9 इंटू 10^ ये -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 10^2 हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस में, अब देखिए, इसी को एड कर देंगे, वी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9×10^11, ठीक है, वोल्ट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका विद्युत विभव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप विद्युत विभव को निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया? ठीक है, गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव जो होगा वो 9×10^11 वोल्ट होगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ में आ चुका होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड कई और न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद है तो आप न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए सेकेंड देखते हैं, तो देखिए सेकंड वाला हमारा है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है, 1 बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2×10^-5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। देखिए अभी ये आपके सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है, जो तीसरा चौथा पांचवा न्यूमेरिकल होगा वो आपका थोड़ा हाई लेवल का होगा। तो देखिये क्या है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है, यानी कि हमें विभवांतर दिया गया है कितना, 50 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में देखिए, 1 बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2×10^-5 कूलाम आवेश, तो हमें क्यों भी दिया गया है, क्यों दिया गया है, 2 गुड़े
10 के पावर माइनस 5 कूलम, ठीक है। ये हमें आवेश दिया गया है, हमें निकालना क्या है कि आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा, हमें W निकालना है। तो कुछ भी हमें नहीं करना, यहां पर हमें विद्युत विभव का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि विभव इक्वल टू होता है, विभव V इक्वल टू होता है W अपान क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको मिलते रहेंगे। अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है, चूंकि आपको W निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू V और Q का गुणा हो जाएगा। देखिए Q इधर भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो V इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है। बस इसी पर रख देंगे तो W आपका ऐसे ही रहेगा। V की वैल्यू ऊपर हमें दी गई है 50 वोल्ट, तो 50 रख देंगे। इंटू क्यू की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻¹, ठीक है, तो इसको रख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम, W इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए इसका गुणा हो जाएगा, 50 का 2 से गुणा होगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁻¹। अब देखिए क्या करेंगे यहां पर, फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻², 100 को 10⁻², लिख सकते हैं इंटू 10⁻¹, ठीक है। अब यहां से हमारा W आ गया, W इक्वल टू 10⁻², है ये माइनस 5 है, तो 2 में से 5 जाएगा, तो 10⁻³ जूल बचेगा, ठीक है, और यही आपका हो जाएगा कार्य, ठीक है, 10⁻³ जूल। तो आप कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अगर 50 वोल्ट है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻¹ कूलम आवेश को ले जाने पर 10⁻³ जूल कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका सेकंड न्यूमेरिकल था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, तो देखिए तीसरा हमारा है दो संधारित्रों। देखिए अब ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपको समझना है, दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफेरेड तथा 30 माइक्रोफेरेड हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला और समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, उसको मैंने प्रूफ भी किया था। अब देखिए यहां पर हमें दिया गया है कि दो संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफेरेड तथा 30 माइक्रोफेरेड है, तो पहले संधारित्र की धारिता को हम मान लेते हैं C1 और दूसरे को मान लेते हैं C2। तो C1 की वैल्यू आपको दी गई है 20 माइक्रोफेरेड, ठीक है, C2 की वैल्यू आपको दी गई है 30 माइक्रोफेरेड, ठीक है, इतना दिया गया है। अब उनकी तुल्य धारिता आपको निकालनी है, तो मैंने बताया था आपको कि जो श्रेणी क्रम होता है इसमें संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता, ठीक है, की तुल्य धारिता, या आप लिख सकते हैं कि C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं अतः इनकी धारिता, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 1/C1 + 1/C2, यानी कि C1 और C2, 1/C1 + 1/C2 कर देना श्रेणी क्रम में। अगर ये समांतर क्रम में होता तो C = C1 + C2 हम कर देते, ठीक है। अब देखिए यहां पर 1/C = हमारा हो जाएगा, 1/C1 की वैल्यू है 20, ठीक है, प्लस 1/C2 की वैल्यू है 30। अब दोनों का LCM निकाल लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1/C = हमारा होगा, देखिए ये आपका 20 और 30 का जो LCM आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, तो 20 और 30 का LCM आ जाएगा 60 आ गया, तो 20 × 60 3 × 3 हो जाएगा, प्लस 30 × 7 2 × 2, तो ये आपका इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/C = आपका हो जाएगा 5, 3 × 2 जुड़ जाएंगे तो 5/60 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम सी को ऊपर करते हैं, मान लीजिए इसको तिरछा गुणा भी कर सकते हैं, 5C = 60, फिर C = 60/5 लिख देंगे, तो डायरेक्टली हम कर देते हैं, देखिए या हम चलिए गुणा कर देते हैं, कैची गुणा इसका इससे इसका इससे, तो ये हो जाएगा 5C, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 60, 60 का 1 से गुणा होगा और 5 का सी से, ठीक है। इस प्रकार से समझाने के लिए मैंने कर दिया, C = आपका हो जाएगा 60/5 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, इसको कट कर देंगे 12 आ जाएगा, तो हमारा जो सी आ गया वो कितना आया, 12 माइक्रोफेरेड, और यही आपकी धारिता हो जाएगी, जो तुल्य धारिता उसकी होगी वो 12 माइक्रोफेरेड आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफेरेड तथा 30 माइक्रोफेरेड हैं, अगर वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता कितनी होगी, 12 माइक्रोफेरेड होगी। चलिए चौथा न्यूमेरिकल देखते हैं।
अब इसको थोड़ा सा हमें समझना है। चौथा न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उससे अपर लेवल का न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लो लेवल के भी हम देख रहे थे। तो देखिए, चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक परिपथ बना है, ठीक है, जिसमें देखिए एक परिपथ है जिसमें दो तीन संधारित्र है, एक C1 है 5 माइक्रोफेरड, C2 है 10 माइक्रोफेरड और C3 है 3 माइक्रोफेरड। इसमें देखिए C1 और C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, देखिए इन दोनों के वायर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये इनकी जो संधारित्र की प्लेटें हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ये क्या होगी, श्रेणी क्रम में होंगी और ये आपका जो समांतर क्रम में, अगर इन दोनों के जब धारिता हम निकालेंगे तो जो आएगा वो और ये समांतर क्रम में होंगे, ठीक है। तो यहां पर अब हम लिखेंगे, हमें क्या दिया गया है, C1 दिया गया है, C2 भी दिया गया है और C3 भी दिया गया है। C1 की वैल्यू हमें दी गई है 5 माइक्रोफेरड, C2 की वैल्यू हमें दी गई है 10 माइक्रोफेरड, C3 की वैल्यू हमें दी गई है 3 माइक्रोफेरड, ठीक है, ये सब इतना दिया गया है हमें। अब देखिए हम इसी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले C1 और C2 श्रेणी क्रम में है तो सबसे पहले इनका फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो लिखेंगे संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है, इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता, ठीक है, तो क्या होगी बताइए, श्रेणी क्रम में मैंने अभी आपको ऊपर फॉर्मूला बताया, 1/C = 1/C1 + 1/C2 1/C1 + 1/C2, ठीक है, बस इसी पर वैल्यू रख देंगे। तो देखिए कैसे रखेंगे, तो 1/C = हो जाएगा, 1/C1 की वैल्यू है आपका 5, C2 की वैल्यू है 10, दोनों का एलसीएम साइड में ले लेता हूं मैं, तो 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा बताइए, तो 10 और 5 का एलसीएम आपका हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम हम निकाल लेंगे तो 10 ही आएगा, ठीक है, कितना आएगा, इसका एलसीएम 10 ही आएगा, तो देखिए क्या आएगा, 5 का 10 से गुणा होगा तो 5 × 10 2 + 2 प्लस 10 × 20 10 + 10 1 + 1, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, तो फाइनली 1/C = हमारा आ जाएगा 3/10, 2 × 1 जुड़ जाएगा तो 3/10 हो जाएगा। अब हम कैची गुणा करें या डायरेक्टली हम लिख सकते हैं C = देखिए इस एक को नीचे लाएंगे, सी को ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे यहां पर भी होगा, 10 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को नीचे ले आएंगे, आप कैची गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है, तो 10/3 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो बताइए कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 3.33, ठीक है, तो हमारा C = आ गया 3.33 माइक्रोफेरड। अब देखिए हमने क्या किया है, C1 और C2 की तुल्य धारिता निकाल ली 3.33, अब जो 3.33 आया है वो और C3 यानी कि C और C3 जो है वो समांतर क्रम में होंगी, यानी कि जो हमारा ये C आया है हम लिख सकते हैं C तथा C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता, या लिख सकते हैं इनकी तुल्य धारिता, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं C- क्योंकि C हमने ऑलरेडी मान रखा था, इसको C- मान लेते हैं, तो C- = क्या होगा आपका, C और C3 आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए C1 C2 होता तो C1 C2 हम जोड़ देते, तो यहां पर हो जाएगा C- = C की वैल्यू हमारी आई है 3.33 प्लस C3 की वैल्यू ऊपर दी गई है, देखिए ये 3 माइक्रोफेरड, ठीक है, तो 3 यहां पर हम लिख देंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे हमारे पूरे परिपथ की तुल्य धारिता आ जाएगी, तो C- = हमारा आ जाएगा 6.33 माइक्रोफेरड, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपकी तुल्य धारिता आ गई। तो इस प्रकार से अगर समांतर क्रम श्रेणी क्रम दोनों साथ में आता है तो आप उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, न्यूमेरिकल आपका लग जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, तो देखिए हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है 10 पिकोफैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है, यानी कि आपको इसमें विद्युत ऊर्जा निकालना है, ठीक है, तो 10 पिकोफैरड का एक संधारित्र है जो कि 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, तो सबसे पहले हमें संधारित्र की धारिता दी गई है जो कि सी होती है, C = हमें दिया गया 10 पिकोफैरड। अब पीको फैरड को फैरड में बदलना है तो मैं आपको बता चुका हूं क्या करना होगा, 10^-12 से गुणा करना होगा, तो लिखेंगे 10 × 10^-12 फैरड, ठीक है,
या बताइए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए समझिए क्या लिख सकते हैं। देखिए 10 के पावर 1 मान सकते हैं, 12 में से 1 चला जाएगा 11 बचेगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 11 फैराड। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद में हमें विभव दिया गया है 50 वोल्ट, तो वी इक्वल टू हमें दिया गया है 50 वोल्ट। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है, यानी कि हमें U की गणना करनी है। तो हम लिखेंगे यहां पर स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू, हमें स्थितिज ऊर्जा ही निकालनी है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 CV² ये फॉर्मूला शायद सभी को पता हो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, चैप्टर जब मैं आपको पढ़ा रहा था फुल चैप्टर आप जाकर पढ़ लीजिए समझ में आ जाएगा। तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C की वैल्यू तो हमें दी ही गई है, देखिए 10^-11 तो यहाँ पर लिखेंगे 10^-11। ठीक है, इंटू वी की वैल्यू कितनी दी गई है 50 वोल्ट, तो 50 का² हो जाएगा सिंपल। ठीक है, तो स्क्वायर हमने कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, U इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए यहां पर समझिए 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा, इंटू 10^-11 है ये, इंटू ये 50 का² करेंगे तो 50 × 50 करेंगे तो कितना आएगा 2500 आएगा, सिंपल है। ठीक है, 50 × 50 यानी कि 2500, आप डायरेक्टली 50 × 50 लिख सकते हैं। अब U इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा, देखिए इसको 1/2 को ऐसे भी रहने देंगे, इंटू 10^-11 है, इंटू इसको हम लिख सकते हैं 25 × 10^2, 25 × 100 लिख सकते हैं, 100 को लिख देंगे 10^2, समझ में आ गया। देखिए 2500 को 25 × 100 लिख सकते हैं, 100 को हम 10^2 लिख सकते हैं बस। तो देखिए इसको कट कर देंगे, 2 से 25 को कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12.5, समझ में आ रहा है, कट कर देंगे तो हमारा U इक्वल टू आ जाएगा 12.5 इंटू ये देखिए 10^-11 है, ये 2 है तो 11 में से 2 चला जाएगा, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में ही रहेगा, तो 11 में से 2 गया 9, तो 10^-9 आप इतना आंसर लिख सकते हैं जूल। ठीक है, चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप और सॉल्व करना चाहें तो इसी को लिख सकते हैं U इक्वल टू, देखिए इस दशमलव को एक अंक हम इधर ले आते हैं 1 और 2 के बीच में, तो 1.25 इंटू 10^, देखिए इसमें 1 जुड़ जाएगा, जब जुड़ेगा तो ये माइनस 9 + 1 हो जाएगा, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 10^-8 जूल। ठीक है, तो दोनों प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर पांचों न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताया, आई होप कि आपको पांचों न्यूमेरिकल समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितने न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।